वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। कुरान इस तरह पढ़ते हैं हम लोग, हमारे और दूसरों के पढ़ने में, आशिकों के मुनाफिकों के पढ़ने में फर्क है। कुरान की किरत सब करते हैं लेकिन कुरान की तह तक पहुंचना असल चीज है। महबूब को किसी ने आकर चुगली की कि तेरे मुहिब ने तुझे छोड़ दिया, अब वो तो हरजाई हो गया। बात कहने की नहीं, तू भी तो हरजाई है। अल्लाह अकबर, जो हरजाई होता है फिर वो महबूब के नाज नहीं उठाता। और महबूब को नखरे आए कि ऐसा मुहिब कसमें खाका कर यकीन दिलाए कि तेरा वफादार, तेरा वफादार, और यूं नाराज और यूं मुझे छोड़ दिया। तो मुहिब ने पूछा कैसे है, तो कहा छोड़िए, अब भी कोई पूछने की बात है। तो फिर मुहिब क्या करता है, ओ मेरी जान आप नाराज क्यों है मुझसे, गाल पकड़ता है और कहता है, ओ तेरे गालों की कसम, तेरे बालों की कसम, उस पर यकीन तो कर, अब इसको यही छोड़िए, ये तो मजाज हो गया। लेकिन हकीकत में जब बद्दुहा वल्लैल पढ़ता हूँ तो मेरे मुझे महसास ये होता है कि कुदरत वाले हाथों ने रुखसारे मुस्तफा को थाम रखे हैं। कुदरत के हाथों ने मुस्तफा के रुखसार को थाम रखे और कहा तुझे छोड़ूंगा कैसे, छोड़ने के लिए महबूब थोड़ी बनाया है। अरे दुनिया के वफादार मुहिब जब महबूब को नहीं छोड़ते तो मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ, तेरे चेहरे की कसम, तेरे बालों की कसम। अल्लाह अकबर। फिर कहता है मा वद्दाक रब्बुक वमा कला, तेरे रब ने, सब कहते मेरा रब, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सब कहते। यही फर्क होता है अल्लाह के महबूब में और आम इंसानों में, है ना। एक माँ के कई बच्चे हैं, कई हैं, एक बाप के कई बच्चे हैं, तो कहते हैं मेरे अब्बा, मेरी अम्मा, है ना, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा बाप। लेकिन जब पूछो अब्बा जी आप किसके अब्बा हैं, तो जो सबसे प्यारा होता है उसका दिल रखने के लिए कहते हैं इसका अब्बा हूं। तो तब पता चलता है कि बाप तो सबका है लेकिन वो सबसे ज्यादा प्यारा है जिसकी, जिसको खुद से कहे कि मैं तेरा बाप हूं। यही तो होता है, सारी दुनिया कहती है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अजीम, अल्लाह को अपना रब सब कहते हैं। लेकिन कुरान कहता है मा वद्दाका रब्बुका, ऐ मेरे प्यारे तेरे रब ने, तेरे रब ने, वो तो है सबका लेकिन तुझे अपना कहता है और अपने को तेरा कहता है। तेरे रब ने तुझे कभी नहीं छोड़ा। और छोड़ना तो दूर की बात, छोड़ा किसको जाता है, जिससे कुछ कराहत हो जाती है, छोड़ा उसको जाता है जिससे कुछ कराहत हो जाती है। तो कहा तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं, और महबूब छोड़ता कैसे, छोड़ना तो दूर की बात है, उसने कभी तुझे मकरूह भी नहीं जाना, उसने कभी तुझसे कराहत भी नहीं की। कैसे तुझसे कराहत करता, जब खुद कहा लौला कलमा खलकतुल अफलाक, अगर तुझे पैदा ना करना होता तो कायनात क्यों पैदा कर, इतनी बड़ी कायनात सजाई तेरे लिए, वरना मेरे अंदर कमी क्या थी, हर आन मेरी नई शान है। कुंत कंजन मखफियन फहबबतु अराफा व नफखतु फी मिन रूही, मैं तो छुपा हुआ खजाना था, और मैंने जब चाहा कि कोई मुझे पुकारे तो मैंने इंसानियत की जान मोहम्मद अरबी को पैदा किया। हबीब ये तो सब तेरे लिए है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।